हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरुआत करते हैं केटिया का सबसे बेसिक क्लास, जहां पे हम स्केचिंग सीखेंगे और कंस्ट्रेंट को कैसे परफेक्ट किया जा सकता है उसको करते हैं। इसे करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप 2D जितने भी सॉफ्टवेयर है, लाइक ऑटो कैड, आप ड्राफ्टिंग और स्केचिंग, इसको आप एटलीस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने केटिया का प्लेटफॉर्म यूज किया है, केटिया वर्कबेंच, जिसमें मैं आपको आगे और भी चीजें डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले स्केचिंग से। तो हम पार्ट डिजाइन में जाते हैं। जैसे आप एक मैंने एक दे दिया पार्ट 00, ओके, इसका मैंने नॉमिनिक्लेचर दे दिया। अब हमारा वर्क बेंच ये ओपन होगा, जिसमें हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग है, ये सारी चीजें जो हैं, ये 3D कन्वर्जन के लिए है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई भी चीजें 3D कब होती है और 2D कब होती है। तो आपको पता होगा, जो भी चीजें प्लेन पे लाई करती है, जिसमें दो एक्सिस होते हैं, इधर एक्स एक्सिस विथ अलोंग विथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अलोंग विथ वाई एक्सिस, कोई भी दो एक्सिस, एक्स या वाई या वाई या जेड या जेड या एक्स, कोई भी, है ना। बेसिकली हम लोग एक्स वाई एक्सिस को ही ड्रॉ करते हैं। किसी भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को करना हो, चाहे साइनसॉइडल हो या फिर टाइम और वेलोसिटी का कोई भी ग्राफ हो, या कोई भी आप बुलियन का ले लो, उसमें हम जो भी फ्रेम अप करते हैं एक्स वाई ही लेते हैं मैथमेटिकल में, और बाकी स्टैटिस्टिक्स में जो भी होते हैं वो हम तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लेन का, कि हम एक्स वाई प्लेन के साथ जाएं, वाई जेड प्लेन के साथ जाएं, या जेड एक्स प्लेन के साथ जाएं। तो हमारा प्लेन का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो प्रोडक्ट या मॉडल को जो डिजाइन करना है या उसका 3D मॉडल डेवलप करना है, उसका जो बेस होगा या उसका जो व्यू होगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट राइट, जो भी होगा, वो इस प्लेन के सिलेक्शन पे अफेक्ट होगा। और इसके साथ साथ हमें आगे उसके साथ जो भी पार्ट को इंटीग्रेट करना है या असेंबल करना है, तो उसके लिए हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम कौन से प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और किसे नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन को किया सेलेक्ट। तो कोई भी प्लेन हमारा सेलेक्ट होता है तो उसका हमें पता कैसे चलता है? जैसे ही हम किसी भी प्लेन को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा उसका जो कलर है, दैट विल बी चेंज्ड। ओके, अभी हमने एक्स वाई को चेंज किया है तो इसका कलर चेंज हो गया। अगर हमने वाई जेड को किया तो ये आप देख सकते हैं वाई जेड का चेंज हो गया। अगर हमने जेड एक्स का करना है तो हमारा जेड एक्स का हो गया। तो पहले हम आते हैं एक्स वाई पे, ठीक, एक्स वाई प्लेन को किया। अब हमारा यहाँ पे ये जो टूल है, इसको मैं थोड़ा सा नहीं हो रहा ये स्केचिंग टूल है हमारा, ठीक है, स्केचिंग टूल है। और इस स्केचिंग टूल को अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया, अब हम चले जाएंगे स्केच के अभी इसका सेटअप भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया ये हमारा बेसिक क्लास है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रिड है, ठीक है।
अगर मैं इस ग्रिड को क्लिक करूंगा तो हमारा ग्रिड व्यू कैंसिल हो जाएगा, और जैसे मैंने इस ग्रिड को किया तो हमारा ये ग्रिड व्यू आ गया। अब ग्रिड व्यू में भी क्या है, जैसे आप मान लो कि हमने एक सिंपल सा लाइन को सेलेक्ट किया, अभी मैं ये आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन ग्रिड कहीं से भी कहीं मैं लाइन को खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा स्नैप टू पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरा कोई भी लाइन कहीं से भी शुरुआत करूंगा तो वो मेरे ग्रिड के किसी ना किसी पॉइंट से, बीच में कहीं से शुरू नहीं होगा, जब भी होगा तो बीच से ही होगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अभी मैं इन सब चीजों को हटाता हूँ और शुरुआत करता हूँ गणेश जी का नाम लेके। देखिए अभी हमारे पास ये सारे जो सिंबल्स हैं वो हमारे सिंबल्स हैं स्केचिंग के लिए। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं हम रेक्टेंगल के लिए। अभी आप देख सकते हैं इसमें रेक्टेंगल के इतने तरीके के टाइप्स हैं, ठीक है, कि हमें इतने तरीके से स्केचिंग किया जा सकता है रेक्टेंगल का। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पहला जो डिफॉल्ट है इसको चूज किया और हमने कहीं पे भी इसको बना दिया, कहीं पे भी, ठीक है। अब हमें नहीं पता इसका क्या डायमेंशन है क्या नहीं डायमेंशन है, ठीक है। तो इसके डायमेंशन के लिए हमारे पास टूल है कंस्ट्रेंट का, वो करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें, अभी जो ये हमारा रॉ रेक्टेंगल जो ड्रॉ हुआ है, इसको हम चाहें तो किसी भी डायरेक्शन में लेके इसके लेंथ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इसका प्लेन के साथ या एक्सिस के साथ अभी तक कोई कनेक्शन है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ दिस रेक्टेंगल अलोंग विद द एक्सिस और विद एनी पॉइंट, देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट, दैट इज वाई वी कैन मूव इट एनी वेयर, ओके। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इस तरीके का अगर हमने स्केच किया और इसको फिर हमने जाके 3D में कन्वर्ट कर दिया तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं। तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, पहले तो हम इसको करते हैं मेजरमेंट, ये है हमारा कॉन्स्टेंट, इसको चूज करते हैं। हमने सिंपल कुछ नहीं करना है, जिस भी लाइन को, जैसे मान लो हमें इसका मेजरमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, इसे हमने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो गया। फिर हमने कंस्ट्रेंट को क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल आप माउस का लेफ्ट क्रसर को ऐसे डाल दो, आपको ये लेंथ मिल गया। लेंथ इसका क्या है, 251.188। अब आप इस लेंथ को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे डबल टाइप कर सकते हो तो फिर आपका यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जहां से आप कुछ भी आप डायमेंशन दे सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 300 देना है तो मैंने यहाँ पे 300 दे दिया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। अब जैसे हमें 300 नहीं देना, अब हमें 100 देना है तो हमने 100 दे दिया, इसकी लेंथ ये हो गई। अब मान लो हमें 150 देना है तो हमने 150 दिया, ये लेंथ हो गई। हमने 200 देना है, एक्चुअली मेरे इसका कीबोर्ड का 2 खराब है तो हमने 199 डाला है और यहाँ से मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। तो इससे आप एक और एग्जांपल सीख गए कि यहाँ से भी हम इसको एक दो मार्जिन अगर देना है तो हम यहाँ से भी घटा बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमें ये 200 देना है तो हमारा ये 200 आ गया, एक लेंथ हमारा ये 200 हो गया। अब इसके साथ इसका लेना है लेंथ, तो अभी हमने आपको बताया कि इसको सेलेक्ट करके हम इसको कर सकते हैं तो आ जाएगा। अब इसको हमने डबल सेलेक्ट किया तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसका प्रीवियस कलर जो था वो ग्रीन था, अब इसका कलर हो गया वायलेट। रीजन इसके पीछे यही है कि आपने एक डायमेंशन को दो बारी
मेजर किया तो ये आपका इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, इसके लिए आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया कि कभी अगर आपको फ्यूचर में इस तरीके से दिखे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये जानना है, समझना है कि आपने, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम था तो आपने एक चीज को दोबारा कैलकुलेट कर लिया, तो फिर हम इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, फिर प्रीवियसली आ गया, फिर हमें क्या करना है, दूसरा हमने इसको सेलेक्ट करना है। ये हमने 200 लिया है, चलो इसको हम 150 ही ले लेते हैं, तो ये हमारा 150 हुआ। दिस इज द कंप्लीट डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, अभी क्या, अभी हमने दो डायमेंशन दे दिया, तो क्या ये हमारा स्टेबल है, क्या ये मेरा लेफ्ट राइट या कहीं रोटेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसका डायमेंशन लिया है बट इसे किसी रेफरेंस के साथ इसको लिंक नहीं किया है। तो अभी क्या होगा, अब हम इसके लेंथ को घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ इसके ओरिएंटेशन को चेंज जरूर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं हम इसके ओरिएंटेशन को कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट हम इसके लेंथ को घटा बढ़ा नहीं सकते। जैसे पहले हम खींचते थे तो हमारा लेंथ घटता बढ़ता था, बट नाउ वी कैन डू दैट। ओके, सो अब क्या करते हैं, इसको किसी एक जगह से फिक्स करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करना है। अब आप ये देख सकते हैं H है और ये V है, ये H फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड V फॉर वर्टिकल एक्सिस। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इन दोनों में से किसी लाइन को हमने सेलेक्ट किया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अभी इस लेंथ को हम बाद में एडिट कर लेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो मूवमेंट है वो अब हॉरिजॉन्टली फिक्स हो गया। अब हम इसको, ये जो भी होगा तो ये हॉरिजॉन्टली अब फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसका एक ही मोमेंट पॉसिबल है, ठीक है, इसका एक ही मोमेंट अभी पॉसिबल है, दूसरा मोमेंट पॉसिबल नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने फिर अब वर्टिकल एक्सिस के साथ वर्टिकल को किया और हमने सिंपली इसको रख दिया। नाउ अब हमारा ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंड है, अब हमारा फिगर कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में नहीं हिल सकता। तो अब इसे एक शेप तो हमने दिया, बट बेटर है कि हम ये जो हमारा ओरिजिन है अगर इससे सिमेट्रिसिटी ला देते हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा, बस यही होगा कि हमें याद रहेगा कि चीजें जो हमने बनाया है तो एक आदत सा हो जाएगा आपको बनाते बनाते कि हाँ वो हमारा सेंटर पे है। तो अगर हमारा टोटल डायमेंशन 5000 भी है तो आपको पता है दाएं बाएं 2500 होगा, ऊपर नीचे 2500 होगा, ऐसा कुछ करना है बस आपको। और जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीजें सिमेट्रिक ही मिले, कभी कभी आपको जब आप ड्रॉ करेंगे कभी कभी क्या 95% आप अगर आप कुछ इनोवेटिव करने जाएंगे तो आपको कन्वेंशनल चीजें नहीं मिलेंगी, आपको कुछ ना कुछ कुछ ही कन्वेंशनल चीजें मिलेंगी, बाकी आपको सारा खुद से करना पड़ेगा, किसी का भी पोजीशन कुछ भी हो सकता है। बट आप ये कंस्ट्रेंट का प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको फ्यूचर में कभी कुछ भी डिजाइन करने मिले या कुछ भी मॉडलिंग करने मिले तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर रहें। तो इसको हम करते हैं 100 और इसे हम करते हैं 75। ओके, तो ये हमारा फिक्स हो गया, नाउ वी कैन सी दैट। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप कुछ भी बनाए उसको थोड़ा खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करें तो अच्छा लगता है। तो ये हमारा पहला था रेक्टेंगल ड्रॉ करना, आई होप आपको अच्छा लगा हो, आगे भी आप सीखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब है यहाँ आपको कंप्लीटली स्केचिंग मॉडलिंग
हर एक चीज मैं आपको एनालिसिस तक बताऊंगा, फाइनाइट एलिमेंट मेथड भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं अदर सॉफ्टवेयर हैं जैसे 3D Max है, एनसिस है, CFD एनालिसिस कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, मैं आपको गाइड करता हूँ। बाय, थैंक यू।